शहर में और काउंटी शहर में नागपुर के जो सीपीआई कमिश्नर है वो आए हैं, वो भी रब्बानी स्कूल में। तो कितनी आए हैं, किस विषय के लिए आए तो हम जानना चाहते हैं, थोड़ा बता सकते हैं काउंटी शहर में वो भी रब्बानी स्कूल में आए क्या वजह? मैंने बताया आपको कि साइबर के जो ऑफेंसेस हैं, गुने हैं, वो बढ़ रहे हैं और कई बार ये बच्चे जो है उसका शिकार होते हैं। तो बच्चों को इसके बारे में पता रहना चाहिए, उनके साथ में इस तरह कोई गुने ना हो। अगर उनको कोई तकलीफ दे रहा है तो उसके बारे में हमको बताएं। पुलिस जो उनके मित्र हैं उनसे डरे नहीं, और मैंने ये भी बोला कि आपके साथ में अगर कुछ होता है तो वो आपकी गलती नहीं है, और उसके बारे में जो है अपने परिवार के, अपने स्कूल के टीचर या पुलिस को जरूर बताएं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस आपके मित्र है, आपके बड़े भाई हैं, आपके माँ बाप की तरह है, तो आप जरूर सुनिए करें। उन पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे आपके तरफ देखते हैं और वो आप जिस तरह से करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। और दूसरा, अगर आपको कुछ बोलना भी है तो उसको सबके सामने ना बोलें, उसको समझें और उसको समझाएं। आप सुनेंगे ही नहीं और अपना पॉइंट्स इसके ऊपर रखेंगे, मुझे लगता है वो गलत चीज़ है। मैंने और मेरी वाइफ ने कभी इस तरह का ये नहीं किया, और ऐसे ही मैं जो भी सक्सेसफुल जो बच्चे हैं उनको मैं देखता हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, वो गलतियां बच्चों में नहीं निकालते, उसको उस गलती से बाहर निकालते हैं अगर उससे कोई गलती हो रही है। यही मेरा मैसेज सबको रहेगा। सर, जैसे आप जैसे कामती में रब्बानी स्कूल चुने, और भी कोई स्कूल है जहाँ पे आप लोगों को आवंटित देना चाहोगे? ये देखिए, हम हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सब स्कूल में जाएं, ऐसा मेरी सबको बोला है, क्योंकि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अच्छे काम करें, अच्छी शिक्षा लें, और उनका आसपास का वातावरण अच्छा है, ये मैं बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि सर ने कहा है कि यहाँ पे किस तरह से बच्चों में अवेयरनेस डाली जाए, उसके लिए सर यहाँ पे रब्बानी स्कूल में आए थे। तो हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं कैमरामैन मुन्ना के साथ।